अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारे यासीन केस की नई अपडेट्स जो हैं वो आपको यहाँ वहाँ दाएं बाएं से काफ़ी हद तक मिल चुकी होंगी। कल रात को एक लाइव की गई थी समीरा अज़ीज़ के और उनके लॉयर की जानिब से, जिसमें बताया गया कि अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 28 है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूं कि समीरा अज़ीज़ ने सितारा यासीन पर आई थिंक दो केसेस कर रखे हैं, जिनमें से एक जो है वो तौहीन मज़हब है और दूसरा केस जो है वो डिफेमेशन ऑफ समीरा अज़ीज़, यानी दोनों डिफेमेशन के केसेस हैं, एक इस्लाम की डिफेमेशन और एक समीरा अज़ीज़ की डिफेमेशन, जो कि बकौल उनके कि सितारा यासीन जो हैं उन्होंने एक यूट्यूबर के ज़रिए स्पेशली उनकी डिफेमेशन करवाई और वो कहती हैं कि उनके पास सबूत है। अभी तक ये दो केसेस थे दोस्तों, लेकिन सितारा यासीन जो हैं उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जिसे मैं कहूँगी काफ़ी बड़ी मिस्टेक जो उनके केस को ख़राब कर सकती है। वो ये कि सितारा यासीन ने अपना जो पावर ऑफ अटर्नी है, वो एक आपको देना पड़ता है अपने किसी लॉयर को पावर ऑफ अटर्नी, अगर आप वहाँ खुद रहकर अपना केस जो है वो परसू नहीं कर सकते, आप ये कोर्ट में एक लेटर आप देते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये बंदा जो है ये मेरे को केस को लेकर चलेगा और मैं इसे अपनी जगह मुकर्रर करती हूँ कोर्ट के कामों के लिए, ठीक है, अब मेरी हियरिंग्स वगैरह और मेरी पेशेंट जो हैं वो ये भुगताएँगे। तो वहाँ जो पावर ऑफ अटर्नी का लेटर था उसके ऊपर सितारा यासीन के हैं फेक सिग्नेचर्स, जो सितारा यासीन के अपने सिग्नेचर्स नहीं हैं, जिनको फौरन से नोटिस किया गया कोर्ट में। अब मसला ये हुआ दोस्तों कि उन सिग्नेचर्स की वजह से सितारा यासीन के ऊपर एक तो धोखा दही का केस और दूसरा तौहीन अदालत का केस, ये दोनों केसेस भी आई थिंक ये दो केसेस मज़ीद हो गए हैं। मैंने उनकी लाइव नहीं सुनी, मुझे मुख्तलिफ लोगों ने क्लिप्स वगैरह सेंड किए, मैंने पूरी लाइव नहीं सुनी और मुझे जैसे टाइम मिला मैं इंशाल्लाह वो भी सुनूंगी। लेकिन मतलब ये कि सितारा यासीन का केस बजाय इसके कि वो बनता, उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा हो गया है, मज़ीद ख़राबियाँ पैदा हो गई। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि सितारा, आप अगर ये केस आगे चला रही थी, परसू कर रही थी, तो आपने फिर कोई मैं कहूँगी कि सही समझदार और इस तरह का वकील क्यों नहीं किया, जिसने तमाम बारीकियाँ देखनी थी। मुझे समझ नहीं आई एक चीज़ कि कैसा लॉयर था दोस्तों, क्या ये पहली बार कोर्ट में जो है वो किसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी की पावर ऑफ अटर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की कि क्या वो इतना ना तजर्बाकार लॉयर था। देखें, सितारा यासीन एक घरेलू औरत है, या इसके अलावा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि केस प्रोसीजर्स कैसे होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है और किस किस बारीकी का ख्याल रखना पड़ता है। हर जो है मैं कहूँगी कि इच्ची बिच्ची बताना लॉयर का काम होता है, क्योंकि वो उसके लिए आपसे चार्ज कर रहा होता है लाखों रुपए की मद में, पैसा फ़ीस की मद में ना लाखों रुपए आपसे चार्ज हो रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि सितारा यासीन, जो कि इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और इतनी मैं कहूँगी कि ये केस जो है सोशल मीडिया के ऊपर आया हुआ है और इससे रिलेटेड, वो इतना बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकती हैं, इतना इसको लाइट कैसे ले सकती हैं कि उन्होंने, उनके लॉयर ने उनको ये तक नहीं बताया कि बीबी यहाँ पर हर जगह जो है वो आपने हर बात का ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना अदालत अज़ खुद नोटिस भी ले लिया करती है। तो ऐसी बारीकियाँ क्यों नहीं बताई, मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसा लॉयर था जिसने पहली ही पेशी में सितारा यासीन को फंसा दिया। सितारा यासीन, आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, या तो आपका लॉयर जो है वो ना तजर्बेकार है, या फिर आपका लॉयर आई थिंक मुखालिफ पार्टी से मिला हुआ है, कुछ ऐसा ही किया है उसने आपके साथ। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत हुई है दोस्तों, क्योंकि देखें, एक बंदी जो कि उसका पहला मुद्दा ही ये था कि वो, मतलब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने किसी को नहीं कहा कभी भी कि उसके हक़ के लिए ऐसी जंग लड़ी जाए जिसमें दूसरों का बेड़ा गर्क किया जाए। उस बेचारे ने तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक क्योंकि मैं इतने अरसे से चैनल पे काम कर रही हूँ, मुझसे कभी रब्ता नहीं किया कि आप इतना अच्छी बात कर रही हैं तो मेरे लिए बात करें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के साथ भी उसका कभी कोई रब्ता रहा होगा इस सिलसिले में कि मुझे आप प्रोटेक्ट करें या मेरे लिए बात करें। तो जब एक बंदी जो है वो इतनी बारीकी से हर चीज़ को देख रही है, बचकर चल रही है और वो किसी के लिए कुछ ख़राब नहीं कर रही, उसके बावजूद अगर एक बंदी को फंसा दिया जाता है, जो एक घरेलू खातून है जिसकी तालीम भी ना होने के बराबर है,
और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद उसको जो है इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो उसके लिए फिर लॉयर को तो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए था कि लॉयर को समझदार होना चाहिए था। और दोस्तों बहुत से लॉयर्स जो होते हैं या तो वो न्यू होते हैं, नए नए लॉयर्स होते हैं, या उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस किस्म के सोशल मीडिया केसेस को लेकर, या फिर वो आई थिंक फ़ी के बग़ैर कोई काम कर रहे हैं। अगर वो फ़ी के बग़ैर कर रहे हैं तब भी लोग जो है लॉयर्स जो हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। दोस्तों देखें, जिस काम में आपको मुआवजा मिलता है उस काम को आप पूरी तवज्जो से करते हैं। मे भी सितारा यासीन का लॉयर जो है, हो सकता है कि कोई जो है वो दोस्ती में, कोई रिश्तेदारी में या जान पहचान में, अक्सर होते हैं ना कि चलो भाई ये हस्बैंड के दोस्त हैं तो इनके भाई लॉयर हैं वो हमारा केस लेकर चलेंगे, या फिर जो है वो मेरी फ्रेंड है और उनके भाई हैं वो केस लेकर चलेंगे, या जी हमारे पुराने जानने वाले हैं अब उनका बच्चा भी लॉयर बन गया है तो वो हमारे केस को लेकर चलेगा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी एक बड़ी यूट्यूबर और उसका जो केस है वो सोशल मीडिया के ऊपर केस है, तो इसके अंदर तो बहुत बारीकियां देखकर चलनी चाहिए थी। खैर, हमने सितारा यासीन को पहले भी ये मशवरा दिया था, बहुत से लोगों को हमारा ये मशवरा बुरा लगा था, लेकिन यकीन जानिए आप लोग, अल्लाह पर अगर आपको यकीन है तो आप यकीन जानिए कि ये चीज़ सितारा के हक़ में बहुत बेहतर हो जाती अगर सितारा यासीन इस केस को लेकर एक्सक्यूज़ वाला मामला कर लेती, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सच में गुनाह किया है और आप अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, गुनाह के लिए शर्मिंदा हैं अपनी, कोई आपने सच में गलती की। अक्सर आप अपने बच्चों की खातिर ही कुर्बानियाँ देते हैं दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की खातिर या औलाद अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स की खातिर, हम अपने घरों में भी तो बहुत सी चीज़ों को करते हैं ना, सेक्रीफाइस करते हैं। अक्सर जो है हमारी गलती नहीं भी होती तब भी हमें जाके अपने बड़ों से माफ़ी मांगनी पड़ती है, ये सोचकर कि यार कोई बात नहीं, मामला रफा दफा भी तो करना है, बात को बढ़ाना भी तो नहीं है। तो अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए सितारा यासीन को आई थिंक ये स्टेप उठाना चाहिए था। खैर, वो अपने हर फैसले में खुद आज़ाद हैं और उन्होंने कुछ बेहतर सोचकर ही ये फैसला किया होगा, लेकिन अगर उस वक्त वो इस चीज़ को करती तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन हो सकता है उन्हें कुछ ज़्यादा बेहतरी केस लड़ने में दिखाई दी गई हो। खैर दोस्तों, मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उनकी भी मदद फरमाए, उन्हें इन मुश्किलात से निकाले। और अभी भी मैं चाहूँगी कि इनकी अगर आपस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे सिनेरियो में शुरू से अब तक सिर्फ और सिर्फ सितारा यासीन के बच्चों के बारे में सोचती हूँ। जब हेटर्स उसे ट्रॉल करते थे सितारा को, उसकी वीडियोज़ उसकी पिक्चर से रिलेटेड, तो तब भी मैं कहती थी कि तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है कि एक औरत, उसके मासूम बच्चे हैं, उन्होंने दुनिया को फेस करना है, उनकी स्कूलिंग भी होनी है, उनकी कोई लाइफ होगी, सोशल लाइफ है, उसके अंदर उनको ट्रॉल किया जाएगा, बच्चों का क्या कसूर है यार, उनको जीने दो, इस किस्म की बातें मैं तब भी कहती थी और आज भी इस केस से रिलेटेड मैं यही कहूँगी कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें नहीं ये जानना कि सितारा ने माफ़ी क्यों मांगी, या सितारा ने माफ़ी मांगी, या सितारा गुनहगार थी या नहीं थी, या अंदर खाने क्या था, या सच क्या था, झूठ क्या था, हमें नहीं जानना। हम तो मासूम बच्चों को देखते हैं, एक व्लॉगर है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान के लिए उसने जो है एक कमाई का ज़रिया खोला, और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी इससे बहुत फ़ायदा है, डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में, बहुत से सैकड़ों चैनल में कहती हूँ कि सितारा यासीन से रिलेटेड चल गए हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता था कि इस केस को नहीं बढ़ना चाहिए, सब कुछ स्मूथली होना चाहिए, कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी गंद क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो मैंने मशवरा दिया था। बहुत से लोगों को मेरा मशवरा अब भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन खैर दोस्तों, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ऊँच नीच होती रहती, उतार चढ़ाव आता रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बेहतर एंड पे लेकर जाएँ और सब कुछ को बेहतरी की तरफ मोड़ दें, सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करें। खैर दोस्तों, अल्लाह करे कि इस तरह के लिए भी सब अच्छा हो जाए और ये सब कुछ ख़त्म हो और बेहतर मोड़ की तरफ जाए, अल्लाह उसको भी समझ दे, शऊर दे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह उसका वास्ता या समझदार लोगों से और नेक लोगों से डालें, जो उसको सही रास्ता दिखाएं, जो उसको सही तरफ गाइड करें कि सितारा आपको ये करना चाहिए, और अच्छे मशवरे दें, उसको पता चले कि उसके बच्चों के लिए किस चीज़ में बेहतरी है। खैर, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मेरी बातें यकीनन आपको समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, लाइक कीजिएगा। अच्छा, घटिया कमेंट्स करने से परहेज़ कीजिएगा, कुछ लोग मेरी चुन्नी मुन्नी पुन्नी पुन्नी बातों को पकड़ लेते हैं कि आपने ये क्यों कहा, आपने वो क्यों कहा, तो मैंने जो भी कहा आपको नहीं अच्छा लगता आप मत सुना कीजिए प्लीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात को पकड़ें, बाल की खाल उधेड़ें। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बाल की खाल उधेड़ने बैठ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना काम करने आए हैं, काम करें और जाएँ, पता नहीं जो लोग बाल की खाल उधेड़ते हैं दोस्तों, मैं सोचती हूँ घर में क्या करते होंगे, हैं।
इनकी फैमिलीज नहीं उनसे तंग हो गई, नाक तक ले आए होंगे अपने घर वालों को। खैर दोस्तों, ये तबसरे करते हैं अब बंद। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से इफ्त मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमामीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।